अब देखिए, टाइम तो सबके पास बराबर ही है। सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर चाहे आप हैं, मैं हूँ या एक्स वाई जेड, कोई भी हो, सबके पास बराबर 24 घंटे ही हैं। डिपेंड करता है कि वो अपने इन 24 घंटे को कैसे मैनेज करते हैं। यानी अगर कोई हमसे आगे है तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान जी ने उसको कुछ ज़्यादा टाइम दे रखा है। थिंक इज दैट कि वो बेटर मैनेजर है, वो टाइम मैनेजमेंट करना प्रॉपरली जानता है। यस, जी हाँ, यही होता है। और इन चीज़ों को अगर हम बहुत जल्दी एज के साथ सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा कर पाते हैं। शायद मैं ये चीज़ें बहुत पहले से सीख गई होती और हमारे जब हम छोटे थे तब चीज़ें अगर ये समझाई गई होती ज़्यादा क्लियरली, तो शायद हम कहीं और होते, शायद हम कहीं आगे होते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, सोशल कंडीशंस होती हैं। और अगर मैं बात करती हूँ कि भाई आज से 35 साल पीछे जा करके, तो टाइम अलग था ऑब्वियसली, है ना। सो हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो एंड इन दिस चैनल बी विद बीडो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो बस कुछ ऐसे ही टाइम मैनेज मुझे करना होता है। अब देखिए, रोते रहने से तो काम होंगे नहीं, दो ही ऑप्शन होते हैं। अगर आपने जॉब का ऑप्शन चूज किया है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा मल्टीटास्किंग भी होना पड़ेगा टू मैनेज प्रॉपरली एट योर होम एंड एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो। तो तभी आप चीज़ों को प्रॉपरली सिंक्रोनाइज कर पाएंगे, प्रॉपर हारमोनी के साथ आप मैनेज कर पाएंगे। और स्पेशली जब आपके साथ किड्स भी होते हैं, तो यानी वो जो डबल बर्डन ऑफ प्रेशर बोला जाता है ना वेमेन का, वो तो शायद ट्रिपल, मोर देन ट्रिपल हो जाता है, बिकॉज किड्स को देखना ही अपने आप में एक सेपरेट जॉब है। एंड जो अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तो भी हाउस होल्ड की बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, हिडन होती हैं चीज़ें। हम तो एक पल को लगता है कि अगर वर्किंग है और 8 आवर्स तो हमारे वर्क प्लेस पे चले जाते हैं, तो हम निकल जाते हैं। शायद हम एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि नहीं मिला टाइम, लेकिन जो घर पे है शायद उसको ये प्रेशर लगेगा कि भाई हमसे ये क्वेश्चन आएगा कि भाई मैंने नहीं क्लीन करा, है ना। तो ऑब्वियसली प्रेशर दोनों के ऊपर होता है, चाहे आप बीइंग अ हाउसवाइफ इन कामों को कर रहे हैं, और शायद एक हाउसवाइफ हमसे ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर पाती है। ऐसा मैं पर्सनली कई बार फील करती हूँ जब मैं टाइम अगर मैनेज नहीं करती हूँ, कर पाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और एक तरफ बूढ़े भी हैं। एनी हाउ, तो ये था संडे वाला दिन। तो मॉर्निंग के रूटीन, नाश्ता पानी, सब कुछ निपटाने के बाद मेरा टारगेट था कि प्रॉपरली आज सारे ड्रॉर्स निकाल के, क्योंकि कारपेंटर वाले भैया का काम चला था तो वो हमसे नहीं निकल रहे। मुझे लगा कि मैं शायद खुद से खोल नहीं पाऊंगी क्योंकि आता नहीं था। तो यहाँ पर प्रॉपरली मैंने बर्तन वगैरह सारा क्लीन किया। ये प्रॉपर क्लीन मैं नाइट में प्रॉपर स्प्रे के साथ करती हूँ। विनेगर और पानी को हाफ एंड हाफ के रेशियो में ले लिया और इसमें 1/4 के पास थोड़ा सा नमक डाल दिया। तो इस बोतल पे भर के रखती हूँ, रात को खाना बनने के बाद डेली इसको स्प्रे करके आप करते हैं तो कॉकरोच और इन्फेक्शन वगैरह नहीं बनता है। और मैं गैस को प्रॉपर क्लीन डेली नाइट पे से करती हूँ। मॉर्निंग छुट्टी रहती है तो करती हूँ, बट स्कूल भागना होता है तो नॉर्मल कपड़ा मार देती हूँ, एक बार काउंटर टॉप क्लीन कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना हमने देखा है कि गैस स्टोव के जो कॉर्नर्स होते हैं, ये देखिए इसमें कितना गंदा है। तो आप कपड़े पे इस तरह का फॉक लगा के इसको चारों तरफ से क्लीन कर लेंगे ना, तो ये प्रॉपर क्लीन हो जाएगा। मैं हर 1-2 दिन में इसको क्लीन करती हूँ जब टाइम मुझे मिल जाए, कभी 2 दिन कभी 3 दिन। तो अभी जो ये काउंटर है सारे नीचे वाले, ये सब मैंने नीचे वाले पोर्शन स्पेशली, क्योंकि होता क्या है जो सबसे नीचे वाला काउंटर्स या बास्केट्स जो लगी रहती हैं उसमें ना हाथ नहीं जा पाता, तो मैं कपड़े को पर्टिकुलरली पतली सी एक लकड़ी पे लपेट के क्लीन करती थी। बट अभी मैंने भैया से सीखा और ये बहुत आसान है, मुझे नहीं पता था, शायद आपको भी मेरी तरह ना पता हो। तो इस पे ना कॉर्नर पे पतली सी, ये देखिए एक पतली सी पिन सी है रबड़ की, आप उसको हल्के से पुश करेंगे अंदर कॉर्नर पे वहाँ, तो ये आराम से निकल जाते हैं। और प्रॉपरली इसको फिर ध्यान रखना है कि कौन से वाले काउंटर पे कौन सा है, और वापस ये सेट हो जाते हैं। तो मैंने प्रॉपरली इसको क्लीन कर लिया अच्छे से, क्योंकि 5 साल हो चुके, इसको निकाल के क्लीन मैं नहीं कर पाई थी, बस वैसे ही मैनेज करती थी। तो आज मैंने तसल्ली से सारा सामान निकाला बाहर, इनको प्रॉपर क्लीन किया, और कुछ कुछ चीज़ें मसाले वगैरह ये सब भी धूप में रख दिया। और जब हमारी ऐसी डीप क्लीनिंग होती है ना, तो कई सारे रखे वे सामान हमें मिलते हैं जो हम लाते हैं और भूल जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है। और साथ ही मुझे रिसीव हुए थे 2 पार्सल, तो एक छोटा सा मृदुल का जो हमने स्टडी रूम प्लान किया, तो मैं चाहती थी वहां पर प्लांट्स रखना, बट ओरिजिनल प्लांट अंदर घर के मैनेज नहीं होता। एक छोटा सा ये वाला ऑर्डर मैंने रिसीव किया, प्लांट्स, छोटे-छोटे प्लांट्स, मेरे को एक क्यूट नहीं लग रहे हैं। ये वाला तो अच्छा है, मुझे चाहिए था
कि वहां पर मैं साथ में फेस कर दूं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जब मैंने इमेज पे देखा था ना तो उस पर बड़ा लग रहा था और मैंने ज्यादा मेजरमेंट वगैरह चेक नहीं किया और 200 का था तो मैं ऑर्डर कर लिया था। तो ये तो अच्छा है, थोड़ा सा प्लांट है इस पे, लेकिन ये वाले थोड़े से छोटे हैं। थोड़ा क्या, पूरे ही है क्योंकि इसमें प्लांट छोटा है, वास का तो लगभग सेम ही हाइट है। स्टडी टेबल के लिए मतलब कि मैंने मंगाया, ग्रीनरी जरूर ऐड होनी चाहिए आपके स्टडी रूम पे, तो नेचुरल प्लांट की मैं एक रखूंगी, बट नेचुरल प्लांट ना रूम के अंदर इतना मेंटेन नहीं हो पाता, या मैं बोलूँगी हमारे पास इतना टाइम तो हो नहीं पाता क्योंकि स्कूल जाना और आना, 8 hours का तो जॉब रहता ही है और साथ में एक घंटा एडिशनल आने जाने के लिए लग जाता है, तो बच्चे हुए टाइम पे घर के बहुत सारे और काम भी रहते हैं। तो हम चले गए इन आर्टिफिशियल प्लांट के लिए और एक छोटे से क्यूट से थे स्माइली के साथ कर देते हैं हम और फिर आपको दिखाएंगे मिल्क का पूरा रूम। इसी के साथ में मुझे दूसरा पार्सल भी रिसीव हुआ था जिसमें मैंने हेयर क्लैचर मंगाए हुए थे, बनाना क्लैचर शायद इनको बोलते हैं, आई डोंट नो। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल था और मेरे पास एक पहले भी था, वो टूट गया था, तो अभी मैंने ये मीशो पे मंगाया था, 107 या 110 रुपये का शायद ये 3 का पैकेट था। पहले मुझे ना एक टूटा हुआ रिसीव हुआ था बट मैंने इसको एक्सचेंज किया और वापस मुझे आज ये सही वाले 3 पीस मिल गए, बहुत ही अच्छे हैं लुक वाइज भी, और देखिए हेयर पे लगा के एकदम क्लीन आपको ये लुक दे रहा है। और जनरली घर पे हम हमेशा शाही बाल ऐसे करके रखते हैं, ये ऑफिस वेयर भी हमें होता है, तो ये काफ़ी अच्छे हैं और इसके टीथ ना पॉइंटेड नहीं है तो ये बालों को खिंच नहीं रहा है, बहुत अच्छे मुझे ये लगे। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में, मिलती हूँ दोबारा आपसे अगले वीडियो में और मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने स्टडी रूम को मृदुल के कैसे मैनेज किया हुआ है। तो मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।